बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम मोहम्मद मोइन, आप देख रहे हैं सूफियाबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। जी आज मैं जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा आज़मूदा नुस्खा है। जी हमारे दवाखाने का तकरीबन 40 साल पुराना ये नुस्खा है, इंशाल्लाह ताला आप इस्तेमाल कीजिएगा। जो मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले और कमज़ोर, यानी कि उनका मुँह बहुत ही ज़्यादा पतला सा महसूस होता है और ये जिस्म की हड्डियाँ, कमर की हड्डी वगैरह और ये जिस्म की हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा नज़र आती हैं, इंशाल्लाह ताला ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। जिन मेरे बहन और भाइयों ने ये वीडियो मेरी पसंद की है, मेरा चैनल पसंद किया है, उनकी बार बार ये कम्युनिटीज आने पर मैं ये नुस्खा आपको बता रहा हूँ। जी पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा जिन मेरे बहनों और भाइयों ने, यानी कि मेरा चैनल पसंद किया और मेरी वीडियो उनको अच्छी लगती है। तो मैं आपसे थोड़ी सी और एक गुजारिश करूंगा कि जैसे आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और कम्युनिट्स किया करें। अगर आपको कोई भी कोई मसला है, कोई मर्ज़ हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कम्युनिट्स करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत अच्छे नुस्खाजात हैं, वो जैसे जैसे आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे, पसंद करेंगे, मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे और अपने मसले मसाइल मुझसे डिस्कस करेंगे आप कम्युनिट्स करके, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको मज़ीद और वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियोस आपको और अच्छे अच्छे मुद्दा नुस्खाजात बताऊंगा। या जो लोग बहुत ही ज़्यादा सूखे और पतले से महसूस होते हैं, जो मेरी बहनें बहुत ही ज़्यादा यानी कि कमज़ोर और उनका जिस्म बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नज़र आता है, यानी कि जवान लड़के और लड़कियों को आजकल बहुत ही ज़्यादा मसला मसाइल, शादी में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। लोग आते हैं, रिश्ता देखते हैं कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा लड़का कमज़ोर है जी, इसका मुंह ऐसे है जी, ये जी बहुत ही ज़्यादा लड़की कमज़ोर है। तो जैसे ही आप ये इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको 15 से 20 दिन में इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये तकरीबन 3 माह का कोर्स है, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर इस्तेमाल कर दिएगा जी। 3 माह इसलिए 3 माह बता रहे हैं कि ये आपको मुकम्मल तौर पर सेहत देगा, इस यानी कि अगर आप मेडिसिन छोड़ भी देंगे या ख़त्म भी कर देंगे मेडिसिन, उसके बाद आप वापस नहीं आएँगे। ये प्यारे भाई हमने हवा नहीं भरनी कि एक दो हफ्ते में हवा भर दें और बाद में हवा निकाल दें, तो इंशाल्लाह ताला ये आप नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। जो मेरे भाई जिम में जाते हैं वो इंशाल्लाह ताला ये इस्तेमाल करें, उनका बहुत ही ज़्यादा स्टैमिना बढ़ेगा। जैसे ही वो स्टैमिना बढ़ेगा तो इंशाल्लाह ताला उनका भी ये सेहत का मसला हल होगा। तो नुस्खा बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कतीरा, मगज़े बादाम, शीरी, नशास्ता, तुख्मे खुरफा और चीनी। जी ये तमाम चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है, ये जो भी आपने मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं ये आपने हम वज़न लेनी है। ये पंसारी से आपको बासानी मिल जाएंगी, चाहे अगर आप घर में ग्राइंड करना चाहते हैं घर में कर लें, पिसवाई कर लें, या आप पंसारी से करवाना चाहते हैं तो आप पंसारी से करवा लें। जिसकी मकदार मैं आपको बता देता हूँ, छोटी चमची चाय वाली वो आधी आपने सुबह खानी है, तकरीबन नाश्ते के 1-1.5 घंटा बाद ठंडे दूध के साथ, और दूध कम अज़ कम आधा किलो ज़रूर होना चाहिए। और एक बुढ़िया आपने खानी है रात को सोते वक्त, यानी कि खाने से 2-3 घंटे बाद जब आपने सोना हो, एक मकदार यानी कि छोटी चाय वाली चमची आपने तब खानी है, वो भी ठंडे दूध के साथ। तो आप ये मेरी दवाई इस्तेमाल करें, पहले वेट कर लें और तकरीबन 20-25 दिन के बाद आप दोबारा अपना वेट भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क भी महसूस होगा और आपका जिस्म फरबा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ये मेरा नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और आपसे फिर गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर भी किया करें। तो सलामत रहें, आबाद रहें, फी अमान।